साथियों, मेरे मोबाइल पर कुछ देर पहले कॉल आया है। ये बांदा बस्ती का दुर्गा मंदिर स्थान है। बोलिए भैया, आप अभी इधर आइए। तो हमारा दोस्त है कार्तिक जी का छोटा, ये छोटा है या बड़ा? छोटा है। एक बार इनके साथ हम लोग दीघा गया था, आज से करीब 15 साल पहले। तब से हम लोग दोनों का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रहा। बताइए क्या प्रॉब्लम है भैया? अभी तो बोल रहा है सांप घुसा हुआ। चलिए हमको दिखलाइए आप लोग। कहाँ जाना होगा? अंदर अंदर जाना होगा। अंदर अंदर कहाँ? अच्छा अच्छा, आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो पहले भैया मेरा बैग पकड़ लो। कहाँ पर सांप है? सांप वहाँ पर है। अच्छा, ये कोना में है। बाघ नहीं ना है? नहीं। तो हम इसको हटा सकते हैं? हाँ। थोड़ा सा ये पानी वाला आप लोग पकड़ लीजिए। हाँ हाँ साथियों, ये कॉमन उल्फ स्नैक है। कौन स्नैक है? कॉमन उल्फ स्नैक। इसे लोग जहरीला मान बैठते हैं। थोड़ा दूरी से दिख लाइए आप, थोड़ा सा दूर। हाँ हाँ, इसे कॉमन उल्फ स्नैक है। लोग इसे घरचीती कहते हैं और बंगाल में लोग इसे क्रैत भी समझ लेते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, काटता है बहुत जोर का। सर चलिए हम बाहर चलिए। पकड़िए भैया, बैग मेरे लिए है ना? थोड़ा दूर चले जाइए आप, यहाँ आप आइए। इधर आइए, हम चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं। क्या सिखने का इच्छुक हैं आप? पकड़िए। यही वर्ल्ड सबसे विषाक्त प्राणी जार नाम टा होच्छे मानुष। मानुष थेके विषाक्त प्राणी एखन पर्यंत पृथ्वीते पावा जायनी। सांप आमादेर होच्छे परिवेश बंधु। बेसी भाग सांप के मारले इंदुर संख्याटा बेड़े जाए। इंदुर की करे 70% धान और गोम के खे फेले। केनो कि इंदुर हर मास बच्चा दे और सांप बछरे एक बार डीम बच्चा दे। दिस इज इको बैलेंस सिस्टम। आप ध्यान से देखिए, इसको पकड़िए यहाँ, और ये सब आप इधर फेंकिए, यहाँ पकड़िए और ऐसे। साथियों ध्यान से देखिएगा, ये जो है, हाँ नहीं नहीं ठीक पकड़ा हुआ है। हाँ, ये जो खैर कलर है, देखिए ध्यान से, खैर कलर है, कत्था है। इसी में अगर पूरा ब्लैक होता, पूरा काला होता, और काला में अगर सादा सादा होता, तो वो कॉमन क्रैत होता, जिसको हम लोग डोमना चीती, शंख चीती, वो काटने से काफी जहरीला सांप होता है। वो काटने से नर्वस सिस्टम को डेथ कर देता है। लेकिन ये जो है, ये बिल्कुल नॉन वेनमस है। इसमें थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है। ये लोग इसे जहरीला समझ करके मार डालते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप इधर आइए, इधर आइए, पकड़िए पकड़िए। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। 95% सांप होचे निर्विष, और 95% मानुष पैनिक के मारा जाए, आतंक के मारा जाए, हार्ट अटैक के मारा जाए। देखिए आप, क्या होता है कि अंधविश्वासी आदमी लोग, जिसको सांप के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, ये मान लीजिए काट लिया, काटने के बाद ये जो ब्लड आ रहा है, अब क्या है, उसके अंदर दहशत है, खौफ है, डर है। और 10-20 आदमी मिल के उस आदमी को भैया अगर डरा दिया, तो ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप चलिए परीक्षा में पास हो चुके हैं, पकड़िए। और आज के बाद जब भी सांप निकलेगा एरिया में, आप ही हमारा बड़ा भाई को जरूर आप लोग याद कीजिएगा, हमें भी याद कीजिएगा। इसे मारे नहीं, ये हमारा इको फ्रेंड है, इसे बचाइए। इन्हीं साफ शब्दों के साथ इधर इधर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।